नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा नर्स एंड नर्स मिडवाइफ काउंसिल के द्वारा आपकी MPSW मेल, ANM या फिर मैं कह सकता हूँ MPSW फीमेल और GNM की जो मेरिट लिस्ट थी एडमिशन लेने की, वो जारी कर देगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से भी जो है इस PDF को उठा सकते हैं। तो क्या कट ऑफ रही, आगे क्या प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तीनों ही मैं आपको यहाँ पर ये PDF दिखाने जा रहा हूँ, MPSW मेल की, ANM की और GNM की। तो देखिए, 29/9/2022 को आज ये मेरिट लिस्ट आनी थी, वो लिस्ट आ गई है। सेशन 2022-23 के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, अकॉर्डिंग टू मार्क्स यहाँ पर ये लिस्ट आई है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं ऊपर से पढ़ूँ, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर MPSW मेल कोर्स अराउंड वन की ये है, कैंडिडेट हु हैव फील्ड 0 marks इन बायोलॉजी एंड फील्ड साइंस एज देयर स्ट्रीम हैव बीन कंसिडर्ड इन द अदर स्ट्रीम। और जो ये मेरिट लिस्ट है, हैज़ बीन जनरेटेड बेस्ड ऑन द डिटेल फील्ड बाय द कैंडिडेट विच विल बी सब्जेक्ट टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। जो मेरिट लिस्ट है, जो आपने अपनी डिटेल फिल की, उनके आधार पर ये कट ऑफ लगाई गई है। और जो जब आप जिस भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ, उस कॉलेज में जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर जो है आपकी DV या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर चीज़ें सेम पाते तो आपको एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अब सबसे पहले जो कैंडिडेट है MPSW मेल की, अगर मैं बात करूँ, शिवम, फादर नेम कृष्ण लाल है, डेट ऑफ बर्थ 2003 है, 1/5/2003, स्ट्रीम साइंस है, बायोलॉजी इनके पास थी, यस 12th परसेंटेज 96.6 और बायोलॉजी की जो परसेंटेज है वो 97 और PCB की परसेंटेज इसकी 97 थी। तो इस प्रकार से कैंडिडेट का सबसे पहले एप्लीकेशन ID है, फिर कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्ट्रीम है, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। और मेरिट नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पर सभी कैंडिडेट के, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी लिस्ट अगर आपको दिखाऊँ, 70 pages की लिस्ट है, 1728 कैंडिडेट हैं टोटल जिनका मेरिट में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर मैं स्ट्रीम भी अदर दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसने बायोलॉजी नहीं फिल किया, 0 marks फिल किए हैं उसको अदर। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूँ MPSW मेल की, तो 120 जो हैं सीट हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हैं, 60 रोहतक हैं, 60 आपकी सोनीपत के अंदर। उसके बाद जो भी कैंडिडेट बचेंगे उनको जो है प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन है लेना होगा। अब आपको ये अलॉट कर दिया जाएगा, आप अपनी लॉगिन ID पर जाकर ये चीज़ें देख पाएंगे। दूसरी जो लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, MPSW फीमेल की या ANM मैं इसको कह सकता हूँ, सेम वही चीज़ें इसमें भी हैं। सबसे पहला जो रैंक आया है ओवरऑल, जिसने फॉर्म फिल किया, निकिता है, फादर नेम सुभाष है, 21/12/2022 डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम साइंस है, बायोलॉजी इनके पास थी, यस 12th परसेंटेज 97.2, बायोलॉजी परसेंटेज 97 और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की परसेंटेज 97 इन्होंने टॉप किया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे नंदिनी, तीसरे पे तन्नू है, चौथे पे वंदना है। तो ये अगर मैं ओवरऑल देखूँ, ये 305 pages की ये फाइल है। तो इतनी ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया, 6,860 लड़कियों ने MPSW फीमेल या फिर ANM के लिए अप्लाई किया, ये तो इनक्रेडिबल मैं इसको कह सकता हूँ। और यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट सीट काफ़ी कम ही है। अब मैं आपको GNM की एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। लीजिए जी, ये GNM की आपकी PDF है, सेम इसमें भी वही है। और इसमें सबसे ऊपर जो है निकिता है, सुभाष, मतलब वही है जो जिसने MPSW फीमेल या ANM के अप्लाई के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पर इनका रैंक फर्स्ट है। तो यहाँ पर GNM में भी इनका रैंक फर्स्ट है, तो दोनों में से एक जगह ये एडमिशन लेंगी। तो इस प्रकार से भी जो चीज़ें यहाँ पर है, या सीटें जो आपकी वैकेंट रह जाएंगी। दूसरे नंबर पर नंदिनी है, फिर तन्नू है, 97% है इनके ओवरऑल। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितने के 407 pages की फाइल है, यहाँ पर 8,630 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो आप ना जाइए, लॉगिन ID पासवर्ड डालिए, वहाँ पर आपको चीज़ें शायद क्लियर हो पाएंगी। तो आप इसमें अपना रैंक जरूर देख सकते हैं मार्क्स के हिसाब से, मेरिट नंबर ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरिट नंबर दिखाएगा आपको, फिर एप्लीकेशन ID, फिर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, DOB, स्ट्रीम, फिर आपकी परसेंटेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। एक अपडेट थी फिर जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।